ज्योतिष आचार्य जी, सावन के महीने में भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र अर्पण करने का खास महत्व है, लेकिन कितने फली का बेलपत्र करना महत्वपूर्ण माना जाता है जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? 3, 4 या 5? और सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर किन्होंने बेलपत्र अर्पण किया था? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। भगवान भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र अर्पण करना ये शंकर भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, शिवलिंग के ऊपर आप पूजा करते हैं, तो बेलपत्र का और जल का विशेष महत्व रखा गया है। शंकर भगवान की पूजा में आप बेलपत्र जो अर्पण करेंगे वह 3 फली का तो सार्वजनिक है। त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम च त्रिधाजुधम, त्रिजन्मं पाप संहारम, बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये 3 दल का जो बिल्वपत्र होता है, 3 फली का, वह तो अर्पण होता ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आप 4 दल का या 5 दल का बिल्वपत्र शंकर भगवान को अर्पण करते हैं तो आपका पूजा का विशेष लाभ आपको मिलता है। अब है कि 3 दल जो है वह भगवान के त्रिनेत्र का स्वरूप है, और त्रिगुणाकारम आपके अंदर जो त्रिशूल है यानी 3 तरह का ताप जो है वह समाप्त तो होता है 3 दल के बिलपत्र चढ़ाने से। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार का जो ताप है मनुष्य को, वह 3 दल के बेलपत्र चढ़ाने से, बेलपत्र अर्पण करने से आपके 3 तरह का जो ताप है वह समाप्त हो जाता है, वो 3 दल। और 4 दल जो है वह साक्षात चतुर्वेद यानी 4 वेद का स्वरूप है। तो आप यदि 4 दल का बेलपत्र शंकर भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं तो चतुर्वर्ग आपको, चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो 4 चतुर्वर्ग हैं फल प्राप्ति, ये आपको प्राप्त हो जाता है। और 5 दल जो है वह 5 दल का जो बेलपत्र है, साक्षात भगवान शंकर जी का पंचानन, भगवान शंकर भगवान को पंचानन कहा गया है, तो पंचानन स्वरूप या 5 मकार, महादेव, महात्मानम, महायोगी, महेश्वर, महापाप हरेर्देव मकाराय नमो नमः, ये 5 अक्षर मंत्र जो है या 5 मकार जो है या पंच उनका जो मस्तक है, इसका स्वरूप है 5 दल का बेलपत्र। यदि आपको 5 दल का बेलपत्र मिल जाए और आप शंकर भगवान को अर्पण करें तो 5 दल का बेलपत्र आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करके सुख समृद्धि के साथ आपका पूरा जीवन व्यतीत होगा। इसलिए 5 दल का बेलपत्र शंकर भगवान को अति प्रिय है।